पूरा टेस्ट कर लो। ये जवाब सच है। राजा, ये एक ऐसा सच होगा जो आप शायद बहुत लोगों से नहीं कह पाते होंगे। आज सारी दुनिया के सामने आप कबूल कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? She was pregnant that time and मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं थे और शायद कुछ ऐसा था, वो लोग उनको याद नहीं सकते थे मेरे टाइम के लिए यहाँ पे, तो हम लोग कुछ दिन के लिए अपने मेरे इन लॉज के घर हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे कई बार ऐसे लाइक वन और फ्यू फ्रेंड्स somebody said something, ओके तो आजकल तो घर जमाई बन के रह रहा है काइंड ऑफ, तो यार समटाइम दैट आई शुड फील आई थिंक इट्स बैड, तो तभी ऐसा लगता था मुझे कि यार कुछ गलत है, वी शुड मूव फ्रॉम इट। कितने वक्त तक आप? आई थिंक इट्स अराउंड 8-9 months। 8-9 months। आप जानते थे इस बारे में? आपको खराब लगता था? बुरी थी जो हम आ नहीं सकते थे, हम मैं जो में था उस समय। सविता जी आप? हाँ जिंदगी पर अपना मकान लुवा दिया था हमने इनके लिए, पर उस समय खराब लगता। हाँ खराब तो लगता ही है, अपना बच्चा दूसरी जगह रहे। राजा अब आप 4 सवाल दूर हैं 5 लाख रुपए से, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि धीरे धीरे सवाल निजी होते जाएंगे, हो सकता है आपकी उलझने बढ़ाते जाए, जिस सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न पूछूं? आप एक अच्छे दिखने वाले युवक हैं, लाइफ में गर्लफ्रेंड्स बनी? कॉलेज टाइम में काफी थी? काफी थी। 8वां सवाल, क्या आप मानते हैं कि औरतों पर हाथ उठाना ठीक है? देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट क्या कहता है। ये जवाब सच है। कुछ किस्म की शांति मिली, हालांकि काफी अफवाहें भी फैली हुई थी, काफी चीजें लिखी गई हैं। नहीं पॉइंट है, तो क्या मैं ऐसा मानता हूँ? मतलब मैं नहीं मानता हूँ ये अच्छा ये नहीं है। सिर्फ 3 सच दूर हैं अब आप 5 लाख रुपए से, आगे खेलना चाहते हैं? पक्का? पिछले सवाल के जवाब से लगता है कि आप औरतों की इज्जत करते हैं, आप उसूलों के साथ चलते हैं। मतलब इज्जत करता हूँ और मैं उसूलों पर चलने की कोशिश भी करता हूँ। 9वां सवाल, क्या आपने कभी अपनी पत्नी को पीटा है? साथ निभाने की कोशिश में क्या बढ़ते कदम रुक जाएंगे? क्या आपको लगता है आप अपने परिवार वालों के लिए शर्मिंदगी का कारण हैं? क्या आप शराब पीने के लिए अपने अकेलेपन का बहाना बनाते हैं? अगर आपकी बेटी पलक की जगह पर आपका बेटा होता तो क्या आप उसके अभिभावक बनने का दावा करते हैं? देखेंगे कल सच का सामना।